चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की एक और बड़ी और अहम खबर की ओर। एक और बड़ी खबर बता दें जो कि यमुनानगर से सामने आ रही है। जगाधरी की सब्जी मंडी 4 दिन बंद रहेगी और आपको बता दें कि सब्जी मंडी का आढ़ती यहां पर कोरोना पॉजिटिव मिला है। 4 दिनों में सब्जी मंडी को सैनिटाइज किया जाएगा और सैनिटाइजेशन का कार्य यहां पर किया जाएगा। और इसके साथ आपको बता दें सब्जी मंडी का आढ़ती कोरोना पॉजिटिव मिला है। आढ़ती के पॉजिटिव मिलने पर यह अहम फैसला लिया गया है। आढ़ती के संपर्क में आने वाले जो तमाम लोग हैं उनकी भी फिलहाल जांच की जाएगी। यमुनानगर के डीसी मुकुल कुमार ने यह अहम जानकारी दी है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। देखिए संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और यमुनानगर से आपको खबर बता रखे हैं जहां पर सब्जी मंडी का आढ़ती कोरोना पॉजिटिव मिला। आप देखिए कि अगर कोई भी व्यक्ति इन आढ़ती से अगर संपर्क में आया होगा तो जाहिर सी बात है कि उसके भी सैंपल लिए जाएंगे, उसकी भी जांच फिलहाल करवाई जाए क्योंकि ये जो वायरस है व्यक्ति दर व्यक्ति फैल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुमित ओबेरॉय फोनलाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, जानकारी मिल रही है कि यहाँ सब्जी मंडी का आढ़ती कोरोना पॉजिटिव मिला है, किस तरह से ये संक्रमित हुआ? बिल्कुल, जो पूरी अगर मामले की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे के अंदर जो है यमुनानगर में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दिया है और अब तक 3 मामले हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से एक युवक की जो है कल रिपोर्ट आई थी, जो कि श्रद्धालु 5 श्रद्धालुओं का जत्था जो है आज नांदेड़ साहिब जो हुजूर साहिब है वहां से अंबाला से होते हुए यमुनानगर पहुंचे थे, तो उनमें से एक 27 वर्षीय युवक की जो है जब सैंपलिंग की गई, सैंपल भेजे गए तो उसकी कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसे कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया। और उसके बाद जो है देर रात की अगर बात की जाए तो एक महिला जो है 58 वर्षीय दुर्गा गार्डन की जो है उस वो भी खुद जो है सिविल अस्पताल के अंदर अपनी जांच करवाने के लिए आई थी, तो उसके सैंपल लेकर भेजे गए तो वो भी अब कोरोना पॉजिटिव पाई गई, तो उसको भी कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया। और इसी प्रकार से जो सब्जी मंडी के अंदर आरती का काम करने वाला एक व्यक्ति है 33 वर्षीय जो कि आईटीआई के पास का रहने वाला है, उसकी भी जब निजी अस्पताल में उसने स्वास्थ्य में जांच की तो निजी अस्पताल को लगा कि इसमें इस प्रकार के लक्षण हो सकते हैं, तो उसे सिविल अस्पताल में भेजा गया था जांच के लिए, तो उसका सैंपल भेजा गया तो वो भी पॉजिटिव पाया गया। तो कुल यमुनानगर के अंदर 3 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसके बाद जो है जिस प्रकार से सब्जी मंडी का जो मामला सामने आया था, हालांकि अगर ये जो 2 मामले सामने आए हैं इनकी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन फिर भी जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं और जिला प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट है और तीनों इलाकों को कालिंदी कलोनी की अगर हम बात करें जहां पर कल मामला सामने आया था, इसी प्रकार से आईटीआई के गिरी मंदिर के साथ वाली जो गली है वहां पर ये जो मामला सामने आया और दुर्गा गार्डन, तो तीनों को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और वहां पर आने जाने की किसी प्रकार की जो है मूवमेंट वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है और कंटेनमेंट जोन उनको घोषित कर दिया गया है और प्रशासन पूरे तरीके से इस बात को लेकर अलर्ट है। और जिस प्रकार से जो सब्जी मंडी का मामला सामने आया था उसको लेकर जो है जिला प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि अगले 4 दिन तक जो है यमुनानगर जगाधरी की जो सब्जी मंडियां हैं वो पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। इस दौरान जो है पूरी मंडियों को सैनिटाइज किया जाएगा और जिस प्रकार से आरती के जो संपर्क में आने वाले जितने लोग थे उनके भी सैंपल लिए जाएंगे और जिस प्रकार से जो तीनों मामले सामने अब तक आए हैं 24 घंटे के अंदर, इनके संपर्क में आने वाले जितने भी लोग हैं उनको भी उनके भी जो है सैंपल लिए जाएंगे, उनके स्वास्थ्य की भी जांच की जाएगी और स्वास्थ्य की लगातार जो है उनके द्वारा ये जांच की जा रही है और सैंपल लेकर भेजे जा रहे हैं और इस चीज को लेकर वो पूरे अलर्ट है। और यही अपील की जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो नियम है उनकी उल्लंघना ना करें ताकि ये संक्रमण ना फैले। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए यमुनानगर से खबर आपको बता रही, जहां सब्जी मंडी का आढ़ती कोरोना से पॉजिटिव मिला है। आढ़ती के पॉजिटिव मिलने पर फैसला लिया गया कि 4 दिनों में यहाँ सब्जी मंडी को सैनिटाइज किया जाएगा। 4 दिन तक ये सब्जी मंडी बंद रहेगी क्योंकि देखिए वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है।